ओला इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर। दो वेरिएंट दोस्तों बाहर निकले, ओला का इवेंट कल ही खत्म हुआ 15 अगस्त को। दो वेरिएंट यहाँ पे उन लोगों ने निकाले, S1 और S1 Pro। लेकिन दोस्तों पूरे यूट्यूब पे ओला स्कूटर के काफी सारे ज्यादा वीडियोस हमको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब मैंने खुद देखा उन वीडियोस को, बेसिकली दोस्तों सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है टेक गुजराती, हम जितने भी वीडियोस है दोस्तों ये सब की सब टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाते हैं। मोबाइल अनबॉक्सिंग करते हैं, हर एक चीज़ दोस्तों टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। लेकिन दोस्तों जब मैंने ओला वाली वीडियो देखी ना लोगों की, तब मेरे को लगा कि ये कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गलत हो रहा है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वेरिएंट जितने भी है स्कूटर के, ओके, उसमें से मेरे हिसाब से 2018 से कोई भी ऐसा वेरिएंट नहीं है जो सक्सेसफुल रहा है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इतने सारे वीडियोस देखने के बाद मैंने सोचा कि यार यहाँ पे जो कुछ गलत हो रहा है उसको थोड़ा बहुत सही बताने के लिए मुझे एक वीडियो बनानी जरूरी लगी, ठीक है। तो दोस्तों उसकी वजह से ये ऑटो का वीडियो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको बताने वाला हूँ ये पूरे के पूरे वीडियो के अंदर कि ओला इलेक्ट्रॉनिक क्या हमको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर मैंने जितनी भी रिसर्च की है ना, ये पूरी की पूरी रिसर्च मैं खुद ओला स्कूटर परचेस करने वाला था, ठीक है। अभी मेरे को पता चल गया है कि हमको इसको कन्फर्म करना है कि नहीं करना है, लेकिन जितनी भी स्पेसिफिकेशन है ना दोस्तों ये सब मैंने निचोड़ के रख दिए ये वाली वीडियो के अंदर, आपको मैं पूरी की पूरी बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन इसके मैंने चार रीजन निकाले। जो फर्स्ट वाला रीजन है कि ये कितनी प्राइस के ऊपर हमको देखने को मिलता है। दूसरा मेरा जो रीजन है वो है कि कितनी रेंज पे रेंज हमको देखने को मिलेगी इसके अंदर, कितना चार्ज करेगी तो कितनी ही चलेगी ये वाली। थर्ड वाला है कौन सा वाला मोटर इसके अंदर हमको दोस्तों देखने को मिलेगा। ये लोग ना इतना अट्रैक्टिव बना देते हैं ना स्कूटर को, हमको ऐसा लग रहा है भाई ले लो, ठीक है। लेकिन उसके अंदर का मटेरियल दोस्तों क्या है ना वो हमको देखना पड़ता है। तो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों मोटर। और फोर्थ पॉइंट जो मेरा निकल के आता है कि आफ्टर सेलिंग सर्विस, बेच तो दिया लेकिन दोस्तों उसके बाद के अगर कुछ दिक्कत आ गई तो क्या करेंगे हम इसके लिए। ये चार पॉइंट को निकाल के मैंने दोस्तों जितनी भी रिसर्च किए आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो के अंदर देने वाला हूं। पहले दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब वाला बटन उसको पकड़ के रखो और बेल आइकन घंटी दबा दो। टेक्नोलॉजी दुनिया की काफी सारी वीडियोस दोस्तों आप लोगों को हमारे वीडियोस के अंदर देखने को मिलने वाले, हमारे चैनल के अंदर देखने वाले। वीडियो में आगे बढ़ते दोस्तों, लेकिन दोस्तों उससे पहले अभी भी एक बार बोल रहा हूं सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ पूरी की पूरी वीडियो शेयर कीजिए जिससे लोग जागरूक हो जाए, ठीक है। दोस्तों 15 अगस्त को लॉन्च किया स्कूटर, ओके, दूसरे दिन आपको हर एक बात सच यहाँ पे देखने को मिलने वाले, ओके। स्टार्ट करते दोस्तों इसके फर्स्ट वेरिएंट से S1, ओके। ये वाले वेरिएंट की सबसे पहले तो आपको कीमत बता देता हूं, यहां पे दोस्तों 99,999 रुपीज। अभी कीमत भी ऐसी बनाते हैं हमको ऐसा लगा अच्छा 90,000 का ही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे पीछे भी 999 यानी कि 1,00,000 रुपए का ये स्कूटर हमको देखने को मिलता है। इसके अंदर दोस्तों बैटरी हमको कौन सी देखने को मिलती है, पहली बात ये है दोस्तों यहाँ पे बैटरी कौन सी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों हमको 2.98 किलोवाट की यहाँ पे हमको बैटरी देखने को मिल जाती है। हमको दोस्तों एक सिंगल टाइम चार्जिंग करते ही हमको ये 121 किलोमीटर की रेंज देने वाला है, 121 किलोमीटर दोस्तों हम इसके साथ घूम सकते हैं। और इसको चार्ज कर रहे हैं तो हमारे घर के अंदर ही हम इसको चार्ज कर सकते हैं। इसके अंदर हमको 750 वॉट का चार्जर दिया जाता है जो हमको तकरीबन 6 घंटे के अंदर पूरी की पूरी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी और हम 121 किलोमीटर इसके अंदर घूम सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट होगा। दूसरा जो मॉडल है दोस्तों उसके अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस है और थोड़े बहुत फीचर्स है, जो फीचर्स के मामले में दोस्तों ये मेरे को काफी अच्छा लगा, फीचर्स भी मैं आपको बताने वाला हूं इसके, ओके। लेकिन दोस्तों जो दूसरा वेरिएंट है यहां पे S1 Pro, ये प्रो के अंदर हमको दोस्तों जो बैटरी है ये हमको यहाँ पे देखने को मिलती है 3.92 किलोवाट की यहाँ पे बैटरी देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये होगा हमारा फर्स्ट पॉइंट S1 Pro के अंदर। वो वाले के अंदर हमको दोस्तों 2.98 किलोवाट का, इसके अंदर एक यहाँ पे हमको दोस्तों 3.92 वाट का बैटरी दिया जाता है। और ये वाला जो वेरिएंट है दोस्तों सिंगल चार्जिंग के अंदर 181 किलोमीटर यहाँ पे रेंज देखने को मिलती है हमको, ओके। इसके अंदर भी हमको सेम पोर्टेबल चार्जर दिया जाएगा जो हमको हमारे घर के अंदर डाल देना है, 6 घंटे के लिए उसको रख देना है,
रात को चार्जिंग में रखो, सुबह फिर निकलो अपनी राइड के ऊपर, ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों हमको तीन मोड भी देखने को मिल जाती है, अलग अलग टाइप के यानी कि राइडिंग मोड, ओके, थ्री टाइप के राइडिंग मोड देखने को मिल जाते हैं। जो फर्स्ट वाला है वो हमको नॉर्मल मोड देखने को मिलता है, सेकेंड वाला है ये हमको स्पॉट मोड देखने को मिलता है, थर्ड वाला है वो हमको यहाँ पे हाइपर मोड देखने को मिलता है। तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों यहाँ पे हमको थ्री मोड्स देखने को मिलता है। अभी पहली बात, ये हमको यहाँ पे मोड्स दे दिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इन लोगों ने जो बोला है कि 121 की रेंज हमको दी जाएगी, अभी ये कौन से मोड के ऊपर हमको मिलेगी ये नहीं बताया है, ओके, तो स्टोर करना इसको यहाँ पे, ओके, ये नहीं बताया। अगर आपके पास, अगर समझ लो कि आपके पास एक स्कूटर है, आप उसको फुल स्पीड में भगाते हो, पेट्रोल उतना ज्यादा वेस्ट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम कितनी स्पीड के ऊपर चलाते हैं और कौन से मोड के ऊपर चलाते हैं तब जाके हमको 128 की रेंज मिलती है, ये यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है, ओके। मोड दे दिए, यहाँ पे हमको बता दिया गया कि नॉर्मल मोड है, स्पीड मोड है, हाइपर मोड है। अरे भाई, कौन से मोड के अंदर कितना एवरेज मिलेगा ये तो नहीं बताया ना अभी, ओके। तो ये आप याद करके रखना अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। कीमत, अभी S1 Pro की कीमत की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो 1,29,900 रुपीज, ठीक है, यानी कि 1,30,000 इसकी भी कीमत है यहाँ पे, ओके। पर दोस्तों सेम चीज है इसके अंदर हमको, और अगर टेक्नोलॉजी की बात करें ना दोस्तों, तो यहाँ पे मेरे को जो एक पॉइंट इन लोगों का अच्छा लगा, यहाँ पे दोस्तों स्कूटर के बीच में जहाँ पे मीटर होता है वहां पे हमको आगे फ्रंट साइड 7 इंच का डिस्प्ले पैनल लगा दिया गया, यानी कि दोस्तों अगर सैमसंग का टैब ही समझ लो, ओके, यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया। 3GB की रैम हमको इसके अंदर देखने को मिल जाती है और ऑक्टाकोर प्रोसेसर वाला ये हमको यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके अंदर हमको दोस्तों ये वाले स्कूटर के अंदर ना हमको इनबिल्ट साउंड सिस्टम यानी कि स्पीकर डाल दिए गए, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है, इसके अंदर हमको कोई भी साउंड नहीं दी जाएगी। अगर हम इसको रेस करते तो नो वायलेंस, कोई भी साउंड नहीं आएगी, इसीलिए इसके अंदर स्पीकर डाल दिए गए। और इसका जो मीटर है ये पूरा 3GB रैम वाला और ये ऑक्टाकोर प्रोसेसर वाला, इसके अंदर ना हमको ऐसे मोड्स दिए जाते हैं, काफी सारे ऐसे थीम्स दिए जाते हैं कि अगर हमको इसकी एक्सीलेटर की जो इंजन साउंड है हम उसको हमारे हिसाब से सेट कर सकते हैं, लाइक ओके, ऐसे करके हम इसको सेट कर सकते हैं, जो हमारी फेवरेट, मेरी वाली तो यही है जो मैं अपने मुंह से बोल रहा था, ओके, मेरे को काफी अच्छा लगता है जब मैं छोटा था तब से ये कर रहा हूँ, ओके। और ये वाली साउंड हमको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। मैं दोस्तों ने ये वाली वीडियो के अंदर जो मेन फीचर्स है ना उसके बारे में बात करने वाला हूँ, ऐसा नहीं बताऊंगा कि इतने इसका टायर है, ऐसी बॉडी देखने को मिलती है, लाइट मिल रहा है, वो तो दोस्तों हमको हमारे आंखों से भी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जो अंदर की बात है ना दोस्तों वो मैं ये वीडियो के अंदर कवर कर रहा हूँ। मोड्स की बात करें तो मोड्स तो मैंने आपको बता दिए, यहाँ पे ना मेरे को 3 और 4 और अच्छे फीचर्स लगे हैं। वो है एक वाला जो हमको इसके अंदर क्रूज मोड देखने को मिल जाता है, अगर हम इसको राइड करते 60 की स्पीड हमने क्लिक कर दी और क्रूज मोड पे डाल दिया तो 160 की स्पीड के ऊपर ही चलने वाला है, ठीक है, ज़्यादा कम नहीं हो जाएगा। इसमें हमारा ये जो एक सिंगल स्पीड के ऊपर ये जब रन मतलब चलेगा ना तब हमारा बैटरी सेव हो सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। दूसरा एक मोड हमको इसके अंदर रिवर्स मोड भी देखने को मिलता है, जैसे हम रिक्शा के अंदर करते हैं ना, जो रिक्शा वाले होते हैं ट्रिंग रिवर्स करते हैं, वैसे रिक्शा वाला मोड भी हमको इसमें देखने को, बटन दबाते ये ऐसे पीछे चलने लगती है ना, ये दूसरा मोड मेरे को अच्छा लगा। थर्ड एक मोड की बात करो दोस्तों, यहाँ पे हमको कीलेस एंट्री तो नहीं, दरवाजा तो है नहीं, लेकिन कीलेस सीटिंग बोल सकते हैं, ठीक है, कीलेस ड्राइविंग बोल सकते हैं इसको, ये भी हमको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। चाबी जेब में रखनी है, सीधा स्कूटर पे बैठो और निकल लो जिधर जाना है उधर, ठीक है, ये वाला एक मोड मेरे को अच्छा लगा यहाँ पे। और ज्यादा बात करें तो यहाँ पे काफी अच्छा है, 10 जितने हमको यहाँ पे कलर्स दिए जाते हैं, काफी सारे 10 टाइप के कलर्स हमको इसके अंदर डाल के दे दिए। और दूसरी एक बात बताओ तो दोस्तों, नेविगेशन हमको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, GPS देखने को, या नेविगेशन देखने को मिल जाता है, काफी अच्छे अच्छे से ऐसे बना के रखा है ना ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी फिलहाल इसको परचेस मत कीजिएगा, पहले इसको मार्केट के अंदर आने दो, क्योंकि 2018 से ये स्टार्ट हुआ है जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है वो 2018 से स्टार्ट हुए, लेकिन मेरे हिसाब से एक भी सक्सेसफुल अभी तक मार्केट में मेरे को देखने को नहीं मिला है पर्सनली अगर बात करूँ तो इसको आने दो और सब लोगों को इसको परचेस करने दो। आफ्टर सेलिंग इसकी जो सर्विस होती है वो हमको कैसी देखने को मिलती है, ओके, और ये हर एक चीज़ को देखने दो, उसके बाद दोस्तों आप इसके अंदर घुसना, ठीक है, अगर आपको परचेस करना है
तब की बात है। ओके, इसके अंदर ना हमको इसकी कीमत जो है मैंने आपको बताई 1 लाख रुपीज, तो इसको हमको स्टेट वाइज यहाँ पे सब्सिडी भी दी जाती है। इलेक्ट्रिक वर्जन है तो गवर्नमेंट सब्सिडी भी देते हैं। फोटोज के अंदर आपको दिख रहा है दिल्ली के अंदर कितना है, गुजरात, मेरा जो गुजरात है जय जय गरवी गुजरात, इसके अंदर भी हमको कितना देखने को मिल जाए, हर एक चीज दोस्तों यहाँ पे मेंशन की गई है। कीमत थोड़ी कम हो जाती है इसके हिसाब से। ओके, ये काफी अच्छा लगा। ईएमआई का ऑप्शन भी हमको दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिल जाता है, काफी अच्छी बात है। तो ये थी दोस्तों पूरी की पूरी वीडियो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो दी गई हमने वीडियो के अंदर। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू कमेंट, आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक्साइटिंग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।